बल्दिया उस्मा का 23वां इजलास, हंगामा आरई की नजर, नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान आपे से बाहर, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, तामीराती काम में अहम पेशरफ्त, पैकेज टू के चार स्टेशन पर सिविल वर्क मुकम्मल, स्कीम मोड शाहनूर वादत रोड बंद रोड स्टेशन पर काम मुकम्मल कर लिया गया, 25 स्टेशन तहाल नामुकम्मल, चीनी कंपनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम मुकम्मल करेगी। शहर के 17 अस्पतालों के फुजले को ठिकाने लगाने का मामला, लाहौर न्यूज की खबर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की फुर्तियां, 1700 किलो रोजाना फुजला उठाने के लिए LWMC को 40 करोड़ रुपए जारी, रकम अकाउंट में मुंतकिल। अद्वियात की खरीदारी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत CEO हेल्थ का वीडियो लिंक इजलास, हुकूमती इकदामात से अस्पतालों में हाजिरी की सूरत हाल में बेहतरी आई, 48 एंथेजिया माहरीन को मुख्तलिफ अजला और तहसीलों में तैनात करेंगे। FBR के मुलाजिम ने दफ्तर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, मुतवफी गुलाम अहमद डोगर शेखुपुरा का रहायशी और चार बच्चों का बाप था, मुतवफी जहनी दबाव का शिकार और कई बार फसलों को भी आग लगा चुका है, पुलिस लाश तहवील में ले ली गई। कल हाई कोर्ट से गिरफ्तारी, आज एहतसाब अदालत में पेशी, लाहौर पार्किंग कंपनी केस में हाफिज नुमान का 8 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर, नैब के हवाले, परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर भी अदालत पहुंचे, नून लीग के खिलाफ यकतरफा ट्रैफिक चल रही है, अलीमा खान, बाबर अवान और अलीम खान को कोई भी नहीं पूछता, एक नहीं दो पाकिस्तान है, ख्वाजा इमरान नजीर के हुकूमत पर वार, परवेज मलिक ने हुकूमत पर जानबदारी का इल्जाम लगा दिया। पंजाब असेंबली के 3 दिसंबर को होने वाले इजलास की तैयारियां, इजलास के लिए असेंबली की सीढ़ियों और इमारत की सफाई सुथराई जारी। साफ पानी हर सूरत बचाएंगे, रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब ना होने पर सर्विस स्टेशन सील होगा, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने 1 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। और कनेड विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मैच, लाहौर कॉलेज और कनेड चैलेंजेस आमने सामने, तालिबात के चौके और छक्के।